क्या नाम है? मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। गजबाए हिंद पर जो देवबंद का भी फतवा आया है, दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा आया है, उस फतवे के बारे में हम दारुल उलूम के मौलानाओं से बात करने के लिए हम जो है देवबंद जा रहे थे, लेकिन उन कट्टरपंथी मौलानाओं के जो शिष्य हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर माहौल ख़राब करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस प्रशासन को ये लगा कि हमारे वहाँ से जाने से माहौल बिगड़ेगा। तो इन्होंने पुलिस, मेरठ पुलिस ने हमें वहाँ जाने से रोक दिया है और यहाँ बैठा रखा है। तो आगे पुलिस का क्या कहना? और देखिए, पुलिस का कहना कुछ नहीं, अभी तो पुलिस वाले कुछ कह नहीं रहे, अभी तो हमें बैठा रखा है। अब जो ये चाहे जेल भेजें या वापस, जो इनकी मर्जी हो वो अलग बात है, लेकिन ये अलोकतांत्रिक है। हम केवल वहाँ शांति प्रिय ढंग से बात करने जा रहे थे, लेकिन इसमें पुलिस की गलती मैं नहीं मानता, पुलिस प्रशासन की गलती नहीं मानता। मौलानाओं ने माहौल बिगाड़ा सोशल मीडिया पर, जिससे पुलिस को मुझे रोकना पड़ा। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम इस्लाम पर बात करना चाहते हैं तो मौलाना डर क्यों जाते हैं, घबरा क्यों जाते हैं? ऐसा क्या है जिसे वो छुपाना चाहते हैं? उन्होंने खुद ही घोषित किया है कि भाई इस्लामिक दृष्टि से गजबाए हिंद बिल्कुल सही है। अगर सही है तो भाई इस पर हमें बात कर लो, हमें समझा दो ये क्या है, हम अपने लोगों को समझा दें। स्वामी जी, गजबाए हिंद का मतलब क्या है? गजबाए हिंद का मतलब ये है, हिंदुस्तान को काफिरों से, मुशरिकों से विहीन करना, यहाँ की सारी औरतों को आपस में बांट लेना, सारी धन संपत्ति पर कब्जा करना, सारे मठ मंदिरों को तोड़ देना, ये है गजबाए हिंद। गजबा का अर्थ ये होता है कि जिस भी धरती पर गजबा होता है, गजबा एक लड़ाई है मोहम्मद के आदेश पर, होली वार ऑफ इस्लाम। होली वार ऑफ इस्लाम जहाँ होती है वहाँ ये सारे काफिरों को मार देते हैं, मुशरिकों को मार देते हैं, उनकी धन संपत्ति को लूट लेते हैं, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को अपना गुलाम बना लेते हैं। आज तक दुनिया में गजबा का एक भी अपवाद नहीं है, जहाँ भी गजबा हुआ है उन्होंने यही किया है। अब ये कह रहे हैं कि इन्हें गजबा हिंद हिंदुस्तान में मुकम्मल करना है, तो अगर इन्हें गजबाए हिंद हिंदुस्तान में मुकम्मल करना है तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ हम सबको ये मारेंगे, किसी को लूटेंगे, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ेंगे। अगर ये बात नहीं है, इसका कुछ और अर्थ है तो हमें समझाओ। मैं सिर्फ ये पूछने लोकतांत्रिक तरीके से जा रहा था। तो जैसे कि आपको जाने नहीं दिया जा रहा, यहाँ से ही वापसी हो गई या आगे जाना? अब ये तो आपको साफ बताएंगे, मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो आप साफ से पूछो इनके लिए क्या आदेश है, ऊपर से जो आदेश इन्हें आए होंगे ये पूरा करेंगे, इस पर हम क्या कर सकते हैं? हम तो कैदी होकर बैठे हुए हैं। वैसे ये अलोकतांत्रिक है, हम कोई दंगा करने नहीं जा रहे थे, हम केवल पूछने जा रहे थे कि भाई गजबाए हिंद का मतलब क्या है, हमें से समझा दो। हमने जो गजबा के बारे में पढ़ा वो उन्हें बताने जा रहे थे कि अभी तक 25 तुम्हारे 25 गजबे हुए हैं, केवल ये गजबाए हिंद अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, तो गजबाए हिंद जब मुकम्मल होगा तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ये पूछने जा रहा था। क्योंकि आज तक गजबा का इतिहास है, दुनिया में जहाँ भी गजबा हुआ वहाँ इन्होंने एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ा, एक भी मुशरिक को जिंदा नहीं छोड़ा। काफिर मुशरिक कौन? हम और आप। हमारे मठ मंदिर नहीं छोड़े, एक भी हमारी औरत नहीं छोड़ी, एक भी बच्चा नहीं छोड़ा। ये इतिहास है, इसका एक भी अपवाद नहीं है। जो इन्होंने सारी दुनिया में करा हमारे साथ क्यों नहीं करेंगे? इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई गजबाए हिंद का ऐलान करने की? मैं सिर्फ ये पूछने जा रहा था शांतिपूर्वक तरीके से। ये अलोकतांत्रिक है, पुलिस ने जो कदम उठाया पुलिस की मजबूरी है, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मुसलमान बहुत बड़ी ताकत में है और उन्होंने माहौल ख़राब करना शुरू कर दिया था सोशल मीडिया पर, लेकिन ये गलत है, मुझे जाने देना चाहिए था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।